नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी रसोई में। आज मैं आप लोगों के साथ दाल और मुनगा की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यह बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर हम 5-7 मुनगा ले लिए हैं। इसको 2 से 3 इंच की लंबाई में कुछ इस तरीके से हमें काट लेना है, देख सकते हो आप। और इसके बाद इसके जो ऊपर की स्किन है, ग्रीन ग्रीन वाला छिलके, उसको हमको निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। इसे सहजन भी बोलते हैं दोस्तों। और ये देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से हम पूरे मुनगे को छील लिए हैं और छीलकर बहुत अच्छे से धोकर एक प्लेट में रख लिए हैं। आज हम मुनगा को तुअर के दाल के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर 1/2 कटोरी दाल लिए हैं, इसको 2 से 3 बार बहुत अच्छे से धो लिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम दाल को पका लेते हैं। तो इसके लिए कुकर ले लिए हैं दोस्तों, और इसमें दाल को डाल दिए हैं और 1 गिलास पानी, 1/2 छोटी चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल लिए हैं। कुकर की 3 सीटी होते तक हमें दाल को पका लेना है। यहाँ पर हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। और इसमें जो मुनगा रखे थे ना छिलकर, उसको हल्का हल्का से फ्राई कर लेना है, जिससे मुनगा टूटेगा नहीं और बहुत ही स्वादिष्ट हमारी सब्जी बनकर तैयार होगा। देख सकते हो आप, हमें कुछ इस तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम में मुनगे को फ्राई कर लेना है। और हमारे मुनगे फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। यह बहुत ही विटामिन से भरपूर होता है दोस्तों। अभी मुनगे का सीजन भी है, आप ज़रूर से बनाकर खाइए। तो उसी कढ़ाई में अब हम 3 से 4 चम्मच और तेल डाल लेंगे। तेल को बहुत अच्छे से गर्म होने देना है, क्योंकि ये सरसों तेल है ना। अब इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच राई और जीरा डाल लेंगे, और साथ ही एक प्याज लिए हैं बारीक काट कर, और एक छोटा हरा मिर्ची है, इसको भी चलाते हुए हमें हल्का गोल्डन होते तक भून लेना है कुछ इस तरीके से, देख सकते हो आप। प्याज हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें जो अदरक लहसुन कूट कर रखे थे उसको डालेंगे, और इसको 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए हमें भून लेना है दोस्तों, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। मुनगे को आलू के साथ भी बनाते हैं, और आलू मुनगे की सब्जी भी बहुत ही बेहतरीन लगती है। तो यहाँ पर हम 2 टमाटर को बारीक काट कर ले लिए हैं, और इसको भी हमें अच्छे से गला लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर नमक डालेंगे। नमक थोड़ा हिसाब से डालना है दोस्तों, क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाले हैं ना। तो अब हम इसको अच्छे से चलाते हुए गला लेना है। तो इसके लिए अब हम इसको ढक देंगे, जिससे हमारा टमाटर बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो ये देख सकते हो आप, टमाटर हमारे कितने अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देंगे। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब हमें इन मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छे से पका लेना है। हम बहुत ही आसान तरीके से बना रहे हैं दोस्तों, इसमें बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मसाले को भूनते हुए हमें 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम जो मुनगे रखे थे ना फ्राई करके, अब उसको डाल देंगे। मुनगे अभी हमारे अच्छे से पके नहीं हैं, तो अब इसे हमें 10 से 15 मिनट तक मसालों के साथ बहुत अच्छे से भूनना है, देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से। मुनगे को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। अब हम इसमें 1 से 2 छोटे चम्मच पानी डाल देते हैं, जिससे मसाले जले ना, ये देख सकते हो आप। लेकिन अभी मुनगे हमारे पके नहीं हैं, अभी हमें थोड़ा और पकाना है इसको। तो अब हम इसको ढककर पकाएंगे, जिससे मुनगे हमारे बहुत जल्दी से पक जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हो आप, तेल मसालों में से अलग होने लगे हैं, और मुनगे भी हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं। हमें बस इतना ही पकाना है मुनगे को, ज़्यादा नहीं पकाना है। ज़्यादा पकाने से मुनगा टूटकर अलग हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो दाल पकाकर रखे थे ना उसको डाल देते हैं। दाल को हमें ज़्यादा नहीं गलाना है दोस्तों, देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से हल्का सा दानेदार रखना है, इससे सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर आप दाल का
थिकनेस अपने हिसाब से रख सकते हो, थोड़ी गाढ़ी या पतली, जैसे भी आपको पसंद हो। तो इसमें थोड़े से पानी और डाल देते हैं हम, ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे, बस हल्की सी गाढ़ी बनाएंगे। गाढ़ी दाल ही बहुत अच्छी लगती है। अब हमें सब्जी में बहुत अच्छे से उबाल आने देना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जी में बहुत अच्छे से उबाल आ चुकी है। सब्जी हमारी लगभग लगभग अब बनकर तैयार है। ये देखिए, हमें बस इतनी ही गाढ़ी दाल चाहिए। तो अब हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं दोस्तों, देख सकते हो आप। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ये मसाले स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, और जो धनिया रखे थे बारीक काट कर उसे डाल लेना है। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्वादिष्ट हमारी दाल और मुनगी की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। दाल तो प्रोटीन से भरपूर है ही दोस्तों, साथ ही साथ सहजन भी बहुत विटामिन से भरपूर है। तो दाल मुनगी की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो आप भी ज़रूर से ट्राई करिए। तो आप भी बनाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।